तो गाजा में लगातार इसराइल की तरफ से उन गुनहगारों की तलाश करके उन्हें मौत की नींद सुलाने में जुटी है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने की गुस्ताखी की थी और जिन्होंने उस हमले की साजिश रची थी। लेकिन अगर इसराइल के साथ पश्चिमी देश और यूरोप खड़े हैं तो हमास के समर्थन करने वाले कई देश हैं जो इसराइल पर हमले को भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से इसराइल ने साफ कर दिया है कि जो हमास का साथ देने के लिए इसराइल को निशाना बना रहे हैं वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसराइल और हमास का युद्ध अब सिर्फ इसराइल और हमास का नहीं बल्कि युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है और तमाम ऐसे मुल्क हैं जो इसराइल के खिलाफ खड़े हैं और इसराइल पर हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन इसराइल ने हमास का साथ देने वाले देशों को खुलेआम धमकी दे डाली है और बोल दिया है कि जरूरत पड़ी तो पश्चिम एशिया में कहीं भी बम गिर सकता है। इसराइल ने चेतावनी देते हुए यमन का नाम तक ले डाला। ये चेतावनी इसराइल की वायुसेना चीफ ने दी जिससे पश्चिमी एशिया का माहौल बिगड़ सकता है क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठन इसराइल और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सीरिया और इराक में तो अमेरिका के सैनिकों पर कई बड़े हमले भी हुए हैं। लेकिन इसराइल की धमकी का मतलब साफ है कि वो केवल गाजा पट्टी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसकी सेना पूरे पश्चिमी एशिया में ईरान और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठनों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है। इसराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि इसराइल ना तो जंग के बीच में किसी भी सीज फायर के लिए रुकेगा और ना ही इस जंग के बाद थमने वाला है। पहले ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब तो बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। इसराइल कई बार बोल चुका है कि वो हमास के अंत से पहले जंग नहीं रोकेगा और इसलिए गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर पेच फंस गया है। इस मुद्दे पर इसराइल और अमेरिका तक में अनबन हो चुकी है लेकिन इसराइल टस से मस नहीं हुआ। अब तो उसने हमास का साथ देने वालों पर भी बम गिराने की तैयारी कर ली है। ये बयान खुद इसराइल की वायुसेना चीफ ने दिया। उन्होंने पश्चिमी एशिया में हमास का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दे डाली। इसराइल की वायुसेना के चीफ ने बयान दिया कि जरूरत पड़ी तो पश्चिमी एशिया में कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। यमन का तो उन्होंने नाम लेकर धमकी दे डाली कि जरूरत पड़ने पर पूरे पश्चिमी एशिया में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। साफ है कि इसराइल रुकने वाला नहीं है और इसके लिए वो पूरे पश्चिम एशिया से भी भिड़ सकता है। इसराइल के रुख से लगता है कि वो बड़े युद्ध की तैयारी में भी है। दरअसल इसराइल का मकसद है कि हमास को खत्म करे और हमास को खत्म करने के लिए वो लगातार चेतावनी भी दे रहा है कि अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो परिणाम बड़े हो सकते हैं। इससे पहले हिजबुल्ला के नेता नसरल्ला को भी ऐसी धमकी दी गई थी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अगर नसरल्ला ने गुस्ताखी की तो इसराइल बेरूत का हाल भी गाजा जैसा कर देगा और ऐसी ही चेतावनी इस बार भी दी गई है क्योंकि इसराइल वहां भी वैसी ही बमबारी कर सकता है जैसी उसने गाजा पट्टी में की। या यूं कहे कि इसराइल ने जता दिया कि हमास के अंत के लिए वो पश्चिमी एशिया को भी जंग में झोंक सकता है और केवल गाजा में ही नहीं बल्कि लेबनान से यमन तक भयंकर जंग छेड़ सकता है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से पश्चिमी एशिया में इसराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि लगने लगा कि ये लड़ाई यहूदी बनाम मुस्लिम हो गई है क्योंकि इसराइल पर लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों से भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने खुलकर धमकी भी दी थी कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इसराइल पर चौतरफा हमले होंगे और जंग के कई मोर्चे खुल जाएंगे। लेकिन इसराइल ईरान की धमकी से डरा नहीं बल्कि उल्टा गाजा पर हमले तेज कर दिए। न अस्पतालों को छोड़ा, न शरणार्थी कैंपों को, स्कूलों और मस्जिदों पर भी बम गिराए और अब तो उत्तरी गाजा के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण का दावा कर रहा है। और अब पश्चिमी एशिया में हमास का साथ देने वालों को चेतावनी दे डाली और लगने लगा कि इसराइल पश्चिमी एशिया को जंग की आग में झोंकने की तैयारी में है क्योंकि वो भड़का हुआ है और डंके की चोट पर ऐलान कर चुका है कि हमास के अंत के पहले वो किसी की नहीं सुनेगा और हर उस देश या संगठन से भिड़ जाएगा जो हमास का साथ दे रहे हैं। क्योंकि इसराइल की वायुसेना के चीफ ने बयान दिया कि वो यमन पर भी हमला कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से यमन से इसराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसने दक्षिणी इसराइल के
एलर्ट शहर में लड़ाकू ड्रोन भेजने का भी दावा किया था, जिसमें एक ड्रोन तो एलर्ट शहर की एक इमारत से टकरा भी गया था, जिसके बाद इसराइल ने लाल सागर में अपना जंगी जहाज भेज दिया था। उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इसराइल लाल सागर की ओर से आने वाले खतरों के लिए सावधान हो गया। और अब तो वो यमन पर पलटवार के संकेत दे रहा है, या यूं कहें कि वो हूथी लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयारी में है, क्योंकि यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों ने ही इसराइल पर मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी ली थी। इन हमलों के बाद इसराइल ने भी उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया, क्योंकि हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़े हैं। उन्होंने इसराइल को गाजा में हमले न रोकने पर मिसाइल अटैक तेज करने की धमकी भी दी थी, और इसलिए इसराइल ने खुलकर चेतावनी दी कि यमन पर बमबारी कर सकता है। इसराइल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं, और इसराइल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, जिसके लिए वो दक्षिणी इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर